हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 में नवोदय वाले बैच में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर नवोदय वाले बैच में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमने कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं, जिसमें सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 के, वो सारे वहाँ पे डिटेल में आप लोगों को समझा रखे हैं। आप पहले उनको देख सकते हो, उसके बाद में खुद इनको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो देखिए, हमारे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। पहले तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब समझो कि हमें 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 1/3 में से। मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/3 माइनस 3/4। मैं सबको पहले ऐसे ही लिख देता हूँ। तो देखो, 1/3 माइनस ये कितना है, माइनस 5/6। ध्यान रखना, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले अगर ये पॉजिटिव है तो विदाउट ब्रैकेट लिख दोगे, और अगर नेगेटिव है तो हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 3/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 8/9। यहाँ क्या होगा, माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 9/7। यहाँ क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 18/11। यहाँ क्या होगा, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 13/9। और यहाँ क्या करना है, माइनस 6/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 32/13। आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इस 12 में इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 टाइम होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। फिर इस 12 को इस 3 से क्या करो, मतलब इस 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5/12 होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ देखो, तो सेम यहाँ दोनों का पहले इसको एक स्टेप और सोल्व कर लेता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है ब्रेकेट से जस्ट पहले। तो यहाँ क्या हो गया, वन अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस 5/6। अब दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। इस 6 में इस 3 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 6 में इस 6 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और जब दोनों का ऊपर सम करोगे तो 7/6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ देखो, पहले इसको एक स्टेप सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3/5 प्लस 8/9 हो जाएगा। जब 9 और 5 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 45। तो इस 45 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम होगा, 9 टाइम। 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 27, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 45 में 9 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम होगा, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। तो देखो, 40 माइनस 27 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और नीचे कितना आएगा, 45। तो यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर जो रिजल्ट है आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अभी तक किसी, ये सारे के सारे क्या थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकल के आ रहे थे, लेकिन आगे देखते हैं। देखो, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बनता है तो हम आगे उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, पहले एक स्टेप आगे सोल्व कर देता हूँ मैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9/7, और नीचे इसके 1 लगा लो। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस 7 में इस 1 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम होगा। 7 को फिर क्या करना है, ऊपर वाले माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इस 7 को इस 7 से डिवाइड करो, 1 टाइम होगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। अब 9 माइनस 7 करोगे तो 2 आएगा, और नीचे कितना है, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो 1 ये माइनस माइनस प्लस 18/11 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 11 का 11 आएगा। 11 में 1 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम होगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, फिर 11 में 11 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, फिर 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, ऊपर जब सम करोगे तो 29/11। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि 0 में से माइनस करना है माइनस 13/9।
9, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13 अपॉन 9। तो आप लोगों को ये पता होगा कि किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा 13 अपॉन 9 ही आएगा। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको करके देखते हैं, तो देखो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 32 अपॉन 13, फिर दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 13 और 5 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 65। तो अब क्या करना होगा हमारे को, 65 के अंदर 5 से डिवाइड करोगे 13 टाइम होगा, 13 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 78 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 65 को क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 160 आएगा। फिर क्या करना है, दोनों को ऊपर देखो 160 में से क्या करना है 78 सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे बच गया 15, 15 में से ये गया तो 8 बचेगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 82 हो गया। आप चाहो तो इन दोनों को वापस सम करके देखो, तो देखो ये 80 और 80 160 सही है, डिवाइड बाय 65, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 7 अपॉन 4 में से माइनस करना है माइनस 7, तो माइनस 4 अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, फिर दोनों का एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, इस 7 में 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, इस 7 में 1 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम होगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा, नीचे आएगा 7। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 8th वाला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, इसके बाकी के 3 पार्ट्स मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। ये मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। अब ये रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या है इसको समझ, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ दिया हुआ है, इनको ऐड करना है, तो आप चाहो तो देखो a और c को एक साथ ऐड कर सकते हो, और b और d को क्या कर सकते हो रीअरेंज करके पोजीशन बदल के एक साथ ऐड कर सकते हो। बस ध्यान रखना साइन का थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, अब रीअरेंज कैसे करें, कौन से को ले, इसको इसको साथ में ले, तो इसके लिए आप लोगों को ये देख सकते हो, देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम दिख रहे होंगे तो इनको एक साथ ले लो, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो इन दोनों को एक साथ ले लो तो रीअरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ इसको कैसा लिखा जा सकता है, 4 अपॉन 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 इधर आ जाएगा, फिर ये प्लस 3 अपॉन 5 और प्लस माइनस 11 अपॉन 5 ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2/3 हो गया, और इधर 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5। तो अब इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनको फिर एक साथ ऐड कर लेंगे। तो देखो तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इनका 3 आएगा और इनका कितना आएगा 5 आएगा। तो देखो 3 में 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, 3 में 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ऐसे यहाँ पे 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, फिर 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, और बीच में माइनस था तो माइनस आ जाएगा। तो देखो 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 2/3 आ गया ये, तो प्लस यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 11, तो 11 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 8 आएगा, तो कितना आएगा माइनस 8/5। आप चाहो तो इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो, मैं बिना ब्रैकेट के अभी समझा रहा हूँ। तो माइनस प्लस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8/5। अब इनका फिर से आगे क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15 आता है, तो 15 में क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5 टाइम होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा माइनस, फिर इस 15 में 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम होगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, जब 24 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा माइनस 14 डिवाइड बाय 15। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसके बाकी के तीनों क्वेश्चंस को भी करते हैं। अब हम अगले तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी से क्या करना है हमारे को सोल्व करना है, तो कौन से टर्म्स को एक साथ कंबाइंड करें वो देखो। तो देखो ये 3 और 6 इनको एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा,
और ये 4 और 8 इनको एक साथ लिया जा सकता है। तो रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं कि 3 और इस वाले को एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस 8 अपॉन 3 प्लस माइनस 11 अपॉन 6 और प्लस माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 8, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। तो देखो पहले मैं इनको माइनस वाले साइन को देख लेता हूँ, इन दोनों को हमें एक साथ सोल्व करना है, इन दोनों को एक साथ सोल्व करना है। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम आएगा, इधर कितना आएगा, 8 एलसीएम आएगा। इस 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 16 आएगा, प्लस इस 6 में 6 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो आप चाहो तो इसको एक स्टेप और कर सकते हो सोल्व, पहले मैं काम करता हूँ एक स्टेप और सोल्व कर देता हूँ पहले प्लस माइनस वाला वो। तो देखो माइनस 8 अपॉन 3 और प्लस माइनस माइनस का 11 अपॉन 6 प्लस, इसको ऐसे कैसे रखता हूँ, 3 अपॉन 8। तो देखो आप क्या ले सकते हो, एलसीएम लोगे, इसका 6 आएगा और इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। इस 6 में 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, 2 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 16 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। इस 6 में 6 से डिवाइड करो 1 टाइम होगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा। फिर यहाँ देखो इस 8 में 4 से डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 8 में इस 8 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा। तो देखो यहाँ पे कितना बन गया, माइनस 16 और माइनस 11 माइनस 27 बाई 6 बन गया, और प्लस यहाँ पे 3 माइनस 2 करोगे 1 अपॉन 8 बन गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे देखो ये क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम और ये 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, माइनस 9 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 8। आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो देखो अब दोनों का एलसीएम ले लो तो 8 आएगा, 2 और 8 का एलसीएम। तो 8 में क्या करो, 2 से डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 4 टाइम, 4 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। फिर 8 में 8 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। माइनस 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 35 डिवाइड बाई 8। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको और इसको रीअरेंज कर सकते हैं और इसको और इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 और 14 को दोनों का कॉमन क्या मतलब दोनों का एलसीएम 14 आ जाएगा और 10 और 20 में 20 आ जाएगा। तो माइनस 13 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 10 और प्लस 11 अपॉन 14। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस का 5 अपॉन 7 हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं सोल्व और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं सोल्व। तो ये कितना आएगा, 20 प्लस इन दोनों का एलसीएम आएगा 14। तो 20 में 20 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 13 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। इस 20 में 10 से डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस 14 में 14 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। इस 14 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है 2 टाइम होगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। अब इसको आगे सोल्व करो, माइनस 13 प्लस 6 माइनस 7 अपॉन 20 हो गया, प्लस फिर इन दोनों को करोगे तो देखो कितना आएगा, 1 अपॉन 14 हो गया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ लेके बता देता हूँ, 2 से डिवाइड करो 10 टाइम 7 टाइम, 2 से डिवाइड करो 5 टाइम 7, ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो 1 टाइम 7 टाइम, फिर 7 और 7 मतलब ये तो 7 ऐसे कैसे चलेगा। तो देखो 35 70 और 140, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 140। मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 और 70 2 जा 140। ठीक है, इसके अंदर इससे डिवाइड करेंगे 20 से तो कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा, 7 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49 होगा। फिर इस 140 में 14 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम होगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। जब इसको आगे और सोल्व करोगे तो माइनस का 39 डिवाइड बाय 140 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते हैं, तो देखो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, 7 7 वाले को एक साथ ले लेते हैं, बाकी इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं इसको एक स्टेप सोल्व कर देता हूँ। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 अपॉन 7, मैं पहले इनको कंबाइंड ही कर देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ। तो देखो इस प्लस को इधर ला रहा हूँ, माइनस 6 अपॉन 7 प्लस माइनस 15 अपॉन 7, ये तो एक साथ लिख दिया। फिर यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 6 प्लस
माइनस फोर अपॉन नाइन, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब इन दोनों का देखो एक स्टेप और सोल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवन हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा देखो माइनस फाइव अपॉन सिक्स, और प्लस माइनस माइनस फोर अपॉन नाइन हो गया। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो सेवन आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन, क्यों, क्योंकि सेवन के अंदर ही सेवन से डिवाइड करेंगे वन टाइम होगा, वन को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, इस सेवन में इस सेवन से डिवाइड करोगे वन टाइम होगा, वन को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टीन आएगा, प्लस इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा देखो एलसीएम कितना आ रहा है दोनों का, नाइन और सिक्स का एलसीएम आएगा एटीन। एटीन के अंदर क्या करना है, सिक्स से डिवाइड करना है थ्री टाइम होगा, थ्री को माइनस फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फिफ्टीन आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। एटीन में क्या करना है, नाइन से डिवाइड करना है टू टाइम होगा, टू को माइनस के फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एट आएगा। तो आगे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा देखो, ये तो बन गया माइनस ट्वेंटी वन अपॉन सेवन, प्लस ये बन जाएगा माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉन एटीन। अब देखो यहाँ जब सोल्व करोगे तो माइनस का थ्री आ गया, और नीचे वन लगा लो प्लस माइनस ट्वेंटी, इसको क्या लिख सकते हो देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का ट्वेंटी थ्री अपॉन एटीन। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, यहाँ क्या है एटीन। तो अब एलसीएम आएगा वन और एटीन का, एटीन आ गया। अब इस एटीन में वन से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा, वन टाइम होगा, सॉरी एटीन टाइम होगा, एटीन को फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फिफ्टी फोर होगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस 18 में इस 18 से डिवाइड करोगे वन टाइम होगा, वन को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 आएगा, ऊपर सम करके देख लो कितना आएगा, सेवन सेवन आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इन तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए आप। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले दो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।